आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का पेपर है। ओके, तो अब दोस्तों हम इसकी लगातार तैयारी करेंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उत्तर सहित में दोस्तों आपको बताऊंगा। ओके, प्रश्न भी आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तर सहित समझाऊंगा भी। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये आपका पार्ट एक है। ओके, तो ओके और आगे फिर क्रम से वीडियो आती जाएंगी। ओके, तो क्रम से दोस्तों आप देखना चाहेंगे तो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो क्लास 11th आपका इकोनॉमिक्स है, वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि क्या है, लगभग मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करने का प्रयास किया है। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को क्या ध्यान से पानी देता है, मतलब जो क्या है मेहनत को है बहुत करता है, वही विद्यार्थी क्या है इस परीक्षा में क्या है सफलता प्राप्त कर पाएगा, 11वीं की वार्षिक परीक्षा में बेहतरीन नंबर ला पाएगा। तो लगातार अच्छे से मेहनत करिएगा। ओके, देख लेते हैं दो अंक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ओके, तो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे के लिए किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। मतलब सिंपल है, आर्थिक क्रिया मतलब जो पैसों के लिए किए जाते हैं। ओके, तो वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे, मौद्रिक मतलब पैसों के लिए किए जाते हैं, मुद्रा के लिए किए जाते हैं, मुद्रा के फायदे के लिए जो काम किए जाते हैं वो आपकी आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल आसान हो गए। उदाहरण के लिए शिक्षा, शिक्षक क्या है विद्यालय में पढ़ाता है। ओके, एक प्रबंधक अपने वेतन पर किसी कारखाने में प्रबंध करता है, एक श्रमिक क्या है मजदूरी वह खेत में काम करता है। ओके, तो ये किसके लिए काम करते हैं, मुद्रा की प्राप्ति के लिए। ओके, तो ये आपकी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते होंगे। आई होप आप समझे होंगे, शब्द से आप क्या उसका अर्थ निकालकर परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांख्यिकी के दो कारक लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वार्षिक परीक्षा में आपका आ चुका है पिछले साल के पेपरों में। ओके, तो सांख्यिकी के दो कारक आपको बताने, सांख्यिकी के दो कारक आपके इस प्रकार से दिए हैं। पहला है विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना। ओके, सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों एवं घटनाओं को संख्यात्मक रूप देना है, ताकि उसका विश्लेषण और निर्वाचन किया जा सके तथा उनसे निष्कर्ष प्राप्त हो सके। दूसरा सांख्यिकी का कार्य है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति जटिल और अव्यवस्थित समंकों को न तो सरलता से समझ सकता है और न उससे कहे निश्चित परिणाम ही निकाल सकता है, परंतु विभिन्न सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग द्वारा जटिल सांख्यिकी सामग्री को क्या सरल बनाया जा सकता है। तो ये आपके दिए हैं सांख्यिकी दो कार, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक अच्छी प्रश्नावली के दो गुण लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो एक अच्छा प्रश्नावली के क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण है प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे उत्तर हाँ या ना में देना संभव हो। प्रश्नों की प्रकृति सरल विकल्प, बहुविकल्प, विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न तथा खुले प्रश्न की हो सकती है। तो क्या विशेषता होती है अच्छी प्रश्नावली की, पहला है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्या है सरल होने चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो उनके प्रश्न संक्षिप्त होने के साथ साथ उनके उत्तर जो है हाँ या ना में दिए जाने, मतलब उनके मतलब उनका उत्तर बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे हाँ ना में उनका उत्तर दिया जा सके। ये आपसे पूछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, समंकों के वर्गीकरण से क्या समझते हैं। तो वर्गीकरण जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल, व्यवस्थित एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, वर्गीकरण में क्या किया जाता है, जटिल और अव्यवस्थित आंकड़ों को है सरल और क्या है व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चित्रलेख क्या है समझाइए। तो सांख्यिकी आंकड़ों को सांख्यिकी चार्ट, तस्वीर आदि के रूप में प्रस्तुत करना है चित्रलेख कहलाता है। तो जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं उन्हें हम चार्ट के रूप में बना देते हैं, तस्वीर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा चित्रलेख कहलाता है, मतलब जो लेख है उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बारंबारता वितरण क्या है। तो बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक समान तरीका है। यह दिखाया है कि किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे विपरीत किए जाते हुए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मध्यिका और बहुलक के बीच दो अंतर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा मध्यिका और बहुलक के बीच में अंतर। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर दिया हुआ है मध्यिका और क्या है और हमें बहुलक में अंतर बताना है। तो मध्यिका स्थिर रूप से परिभाषित होती है, परंतु बहुलक क्या है स्थिर रूप से परिभाषित नहीं होता। ओके, चाहे आप अंतर जिस प्रकार से मैंने थ्योरी में था इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर कॉलम बनाकर भी आपको लिख सकते हैं जैसा आपको लिखना। ओके, तो मध्यिका क्या है स्थिर रूप में परिभाषित होती है, जबकि परंतु क्या है बहुलक है स्थिर रूप में परिभाषित नहीं होती। दूसरा है मध्यिका की गणना क्या है सरल होती है, जबकि बहुलक की गणना क्या है करना कठिन होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
बहुलक का अर्थ लिखिए। बहुलक का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुलक या आपका भूई श्रेष्ठत वह मद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अन्य शब्दों में सबसे अधिक प्रचलित मद को क्या है, सांख्यिकी में क्या है, बहुलक कहा जाता है। या आपका भूष्टिष्ट कहें या बहुलक है, एक ही बात हो गई। तो बहुलक के द्वारा किसी तत्व वस्तु या इकाई प्रचलन का या फैशन का पता लगता है। ये हो जाता है आपका बहुलक। नेक्स्ट हमारा, क्या शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो जब सहसंबंध शून्य होता है तो दो चर आपस में सहसंबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में सहसंबंध का अभाव पाया जाता है तथा इन चरों के बीच दूसरे प्रकार का सहसंबंध हो सकता है। समानता शून्य सहसंबंध का अर्थ स्वतंत्रता ही है क्योंकि इसमें क्या है, सहसंबंध की अनुपस्थिति पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आपको आंसर बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सूचकांक से क्या आशा है या परिभाषा देना है। सूचकांक का है या निर्देशांक का है, एक ही बात। ओके, तो सूचकांक या निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिनके द्वारा काल श्रेणी एवं स्थान श्रेणी में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति की क्या माप की जाती है। परिभाषा दी है ब्लेयर के अनुसार, परिभाषा दी क्या है कि निर्देशांक एक विशेष प्रकार के क्या है, माध्य होते हैं। मतलब निर्देशांक क्या है, एक प्रकार के माध्य। ओके, ये किसके अनुसार परिभाषा है, ब्लेयर के अनुसार है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। ओके, तो देख लेते हैं, स्वतंत्र पूर्व अंग्रेजों के भारत में व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय निम्न प्रकार से। पहला है, भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना। दूसरा है, इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पाद के लिए भारत को एक क्या है, विशाल बाजार बनाना। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक्स कोर्स में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। मतलब 2 अंक 3 अंक 4 अंक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर के साथ आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। मतलब कम समय है आपके पास, तो अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, सिलेक्टेड आपको मटेरियल मिलेगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039543479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस दोस्तों आपकी 99 रुपये, 50% ऑफ चला केवल 49 रुपये में। 49 रुपये में आपको केवल और केवल आपको क्या है, आपको कंप्लीट आपको क्या है इकोनॉमिक्स कोर्स दिया जा रहा है, जिससे आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, इसलिए केवल 49 रुपये की आपकी फीस है। ओके, आगे देख लेते हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के क्या उद्देश्य, मतलब जो भारत में औद्योगिकरण किया ओके अंग्रेजों ने, तो उसके उनका लक्ष्य क्या था। तो उनका लक्ष्य था कि भारत में जो कच्चा माल है, तो भारत के कच्चे माल को ले जाकर इंग्लैंड में ले जाया जाए और इंग्लैंड में कच्चे माल से क्या फैक्ट्रियों के द्वारा अच्छा माल बनाया जाए। ओके, और जो माल अच्छा बन जाता है ओके, फिर जो बन जाता है उसको क्या भारत में बेचा जाए। ओके, भारत को क्या है बाजार के रूप में बनाया जाए। ओके, मतलब भारत के माल को ही ले जाकर अच्छा बनाकर भारत में द्वारा बेचा जाए, ये उनका पहले शुरू में उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्रय अधिशेष क्या है? तो किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश जो उनके द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विक्रय अधिशेष कहलाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे किसान है, तो किसान ने वाली 10 बोरा गेहूं उगाया। ओके, किसान ने 10 बोरा गेहूं उगाया, तो वो अपने अपने लिए भी गेहूं रख लेगा, तो 2 बोरा अपने लिए रख लेता है, बाकी 10 बोरों को 8 बोरों के बचते हैं उसकी आवश्यकता नहीं, वो क्या है बाजार में बेच देगा। ओके, तो जो माल बाजार में बेच रहा है जो कि उत्पादन का, वो क्या है आपका कहलाएगा विक्रयाधिशेष। तो इसमें जो 8 बोरा गेहूं है, तो वो आपका विक्रयाधिशेष कहलाएगा इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद स्पष्ट कीजिए। तो मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में अंतर देख लेते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होता है, जबकि मानव विकास क्या है, अपने आप में एक पहले से लक्ष्य। ओके, दूसरा है, मानव पूंजी निर्माण में मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा मानव विकास की अपेक्षा कम व्यापक है, जबकि मानव विकास की अवधारणा मानव पूंजी निर्माण की अपेक्षा क्या अधिक व्यापक है। तो ये आपका दिया हुआ है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में अंतर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग साड़ी क्लासेस, सबसे पहले आपको आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर से सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास को की धारा में जोड़ता है, जिसके लिए इसकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक परिवक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये आपको कहलाता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, निर्धन लोग रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए, उन्हें आर्थिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। क्वेश्चन हमारा, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। ओके, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक सूचक है जो एक देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात एक देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन में सहयोग देता है।
यहाँ सूत्र देखें तो सहभागी दर बराबर आपके या फिर श्रमिक का जनसंख्या अनुपात बराबर होता है कुल कार्यबल अपन हो जाता है कुल जनसंख्या इंटू आपका 100 हो गए। इस प्रकार से होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सूत्र हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण के दो कार्य लिखिए। तो पर्यावरण नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों की पूर्ति करता है, यह अवशेष को कह समाहित करता है। दूसरा है यह जनकी और जैविक विविधता प्रदान करने वाले जीवन का पोषण करता है। यह आपके पर्यावरण के दो कार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान और चीन में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुए। भारत में 1991 से, चीन में 1978 से और पाकिस्तान में 1988 से में आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या प्रारंभ हुए। ओके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चीन में 1958 में प्रारंभ हुआ। इस अभियान का उद्देश्य बृहत पैमाने में देश में औद्योगिकरण करना था। याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आपसे दो नंबर में पूछा जा सकता है, साथ ही आपसे वस्तुनिष्ठ भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए, यह भारत में कब लागू किया गया। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के पर अप्रत्यक्ष कर है। यह जुलाई 2017 को भारत में कई प्रकार के करों जैसे बिक्री कर आदि को समाप्त करके यह लागू किया गया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू आवश्यकताओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न करता है। ओके तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट समझाए गए हैं। पहला है वैश्वीकरण प्रक्रिया, दूसरा है सार्क यूरोपीय संघ, आसियान, G8 और G20 आदि क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह, तीसरा है पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझना, तीसरा है आपका चौथा है आर्थिक उदारीकरण। ये सब आपके विभिन्न साधन हैं जिनकी सहायता से यह देश घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न करता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। मतलब अर्थशास्त्र विषय लिया आपने, इकोनॉमिक्स विषय लिया है, भाई पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको कारण बताने के। तो पहला है अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान करने की नीतियों का निर्माण करते हैं। दूसरा है अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन उत्पादक को अधिकतम उत्पाद करने की भी सहायता प्रदान करता है। ये आपके अर्थशास्त्र के अध्ययन की अगर महत्व पूछे तो ये भी आप ये लिख सकते हो। कि नेक्स्ट हमारा एक वचन के रूप में सांख्यिकी को समझाइए। तो एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाली सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से है जिसके अंतर्गत समांकों के संगणन, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से संबंधित सांख्यिकी विधियों का उचित रूप से क्या अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सारणियन के कोई दो नियम लिखिए। ओके इंपॉर्टेंट है आपके देख लेते हैं। तो सारणी के रचना कागज के आकार के अनुरूप होती है होनी चाहिए। सबसे ऊपर से सारणी संख्या या सारणी का शीर्षक लिखना चाहिए। खानों एवं पंक्तियों की संख्या ना हो तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही क्या बहुत ही कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक समांकों के साथ साथ रखना चाहिए। सारणी के द्वितीयक सामग्री का प्रयोग हुआ हो तो क्या उसका उल्लेख करना चाहिए। सारणी के विभिन्न स्तंभों को जोड़ करना भी आवश्यक है। अंत में सारणी के नीचे क्या है टिप्पणियां वा स्रोत भी लिखना चाहिए। तो ये आपके हैं सारणियन के नियम। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक समांग या प्राथमिक आंकड़े की आपको दो विशेषताएं लिखनी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो प्राथमिक समांग आंकड़े कहें समांग आंकड़े की बात है। ओके तो प्राथमिक समांग आंकड़े मौलिक होते हैं जो क्या अनुसंधानकर्ता द्वारा एक स्वयं एकत्रित किए जाते हैं और इनका उपयोग क्या है प्रथम बार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रदर्शन देती है बताइए। ओके देख लेते हैं, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। लॉटरी विधि सदैव क्या एक यादृच्छिक प्रदर्शन नहीं देती है, प्रतिदर्श नहीं देती है। यदि समष्टि का आकार बहुत बड़ा है तो यह असीमित है तो लॉटरी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आपका यहाँ दिया हुआ है आपका 500,000 विद्यार्थी में से 500 विद्यार्थी को यादृच्छिक प्रतिदर्श बनाना कठिन है। यादृच्छिक प्रतिदर्श शोधकर्ता की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। लॉटरी विधि में निष्पक्षता संदेहपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए आपके दो अंक वाले। आगे और भी वीडियो आएंगे जिसमें आप क्रम से आपको तैयारी कराऊंगा। तो क्रम से आगे की वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स है इंपॉर्टेंट वार्षिक परीक्षा पढ़ने क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से आप जुड़ गया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चला को ज्वाइन किया टेलीग्राम चला को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।